नमस्कार दोस्तों, सीजी बीएड एंड सीजी डीएलएड प्रवेश में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। कब से आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सीजी वैकेंसी न्यूज़। तो यहाँ पर दोस्तों बीएड एंड डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2022 की सूचना आज जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों या ऑनलाइन आपको इसके लिए SCERT की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा SCERT.CG.GU.IN के माध्यम से। तो यहाँ पर जो प्री बी एड एंड प्री डी एल एड एडमिशन के लिए है डिटेल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों है पहला पंजीयन है तो ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने का डेट रहेगा 29/7/2022 से 7/8/2022 तक। आपका बी एड का पहला काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। इसके पश्चात डी एल एड का जो है डी एड का फॉर्म फिलअप होगा 29/7/2022 से 3/8/2022 तक। इसी के साथ दोस्तों आप लोग का दावा पत्ती के लिए जो सूची जारी किया जाएगा प्रथम चरण का, वह 12/8/2022 से 16/8/2022 तक। इसी के अनुसार डी एड का भी होगा 8/8/2022 से 10/8/2022 तक, जिसमें पहला सूची जो जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट है वह 18/8/2022 को जारी किया जाएगा और डी एड का 16/8/2022 को जारी किया जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों महाविद्यालय में एडमिशन लेने का डेट रहेगा मेरिट सूची के अनुसार 18/8/2022 से 25/8/2022 तक आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इसी का डीएड के 16/8/2022 से 23/8/2022 तक आपको एडमिशन लेना होगा। रिक्त सीट की जानकारी 26/8/2022 को और डीएड का 24/8/2022 को यहाँ पर दोस्तों रिक्त सीट की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों सेकेंड सूची का दावा पत्ती के लिए 31/8/2022 से 1/9/2022 तक, डीएड का 29/8/2022 से 31/8/2022 तक होगा। सेकेंड सूची के लिए यहाँ पर सेकेंड सूची जारी करने का डेट रहेगा 5/9/2022 का बीएड का रहेगा तो 3/9/2022 डीएड का रहेगा। इसके अनुसार दोस्तों जो एडमिशन लेने का रहेगा सेकेंड सूची के अनुसार 5/9/2022 से 9/9/2022 तक और डीएड का 3/9/2022 से 8/9/2022 तक। यहाँ पर जो रिक्त सीट की जानकारी 12/9/2022 को अपलोड किया जाएगा। इसके पश्चात जो सेकेंड चरण का स्टेप जो होगा यहाँ पर पंजीयन होगा, यह ऑनलाइन पंजीयन 13/9/2022 से 17/9/2022 तक सेकेंड चरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। इसके पश्चात दोस्तों डी एड का रहेगा 12/9/2022 से 15/9/2022 तक और सेकेंड सूची के दावा पत्ती रहेगा 21/9 सेकेंड चरण में 21/9/2022 से 22/9/2022 दो दिन के लिए। इसी के अनुसार 20/9/2022 से 21/9/2022 तक सेकेंड चरण के लिए पहला सूची जारी किया जाएगा 24/9/2022 को, डी एड का 23/9/2022 को। तो इसी के अनुसार आपको सेकेंड चरण के अनुसार आपको एडमिशन होगा, एडमिशन लेना है 24/9/2022 से 29/9/2022 तक। इसी के अनुसार 23/9/2022 से 28/9/2022 तक आपको डी एड में लेना होगा। रिक्त सीट की जानकारी 30/9/2022 को और डी एड का 29/9/2022 को सेकेंड चरण के, और सेकेंड चरण में दूसरा सूची आएगा यहाँ पर 6/10/2022 से 7/10/2022 तक। तो दोस्तों इस प्रकार दूसरे चरण के अनुसार आपको एडमिशन होगा लेना होगा यहाँ से 11/10/2022 से 14/10/2022 तक। तो इस प्रकार से तीसरे चरण का भी है और तीसरे चरण में 29/10/2022 से 22/10/2022 तक। यहाँ पर जो अंतिम चरण है थर्ड चरण के लिए ऑनलाइन विकल्प तीसरा सूची जारी करने का डेट रहेगा 28/10/2022। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है, मेरिट सूची भी तीसरा जो जारी किया जाएगा यहाँ पर 2/11/2022 तक। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। अगर आप अभ्यर्थी यहाँ पर अपने पत्र व्यवहार या दावा पत्ती के लिए आप support.sclm@cgchips.in पर आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र भेज कर सकते हैं। पूछताछ के लिए कार्यालय समय 10 से 5 बजे तक। यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल CG वैकेंसी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।